धारावाही वृत्ताकार खंड, वृत्ताकार लूप तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे धारावाही चालक, ऐसे वृत्ताकार का एक खंड बनाया गया है डीए लंबाई का। ये पूरा वृत्ताकार एक लूप है। यहां कुंडली बनाई गई है, ये बेस हुआ, एक लूप पूरा हुआ और यहां कई फेरे हुए। अल्पांश लंबाई के धारावाही डीएल खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/4πI डीएल क्रॉस r/r³ होता है। यही कहिए, अगर मान जानना चाहें इसका, ये तो सदिश हो गया, केवल परिमाण db μ0/4πI dl sin θ/r² ये फॉर्मूला जनरली दिया हुआ होता है। तो इसमें जैसे ये θ=90° है, क्योंकि लंबाई की दिशा ये है और वो बिंदु जहां ज्ञात करनी है दिशा, मान ज्ञात करना है, वो इसके ठीक लंबवत होता है। तो इस तरह से डेल्टा db μ0/4πI dl/r² हो गया। बीजगणितीय स्तर पर लिखना चाहेंगे तो आई डेल्टा लिख लेंगे। तो पी क्यू खंड के कारण यदि तार की लंबाई एल हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण फाई बराबर एल बटे आर, एल का मान हुआ आर फाई। डीबी इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आ जाएगा, और ये टोटल इंटीग्रेशन डीएल, डीएल मतलब टोटल लंबाई। अब ये टोटल लंबाई जो भी यहां आर फाई आई है उसको लिख देंगे कोण के आधार पर आ गया। बेसिक ये चीज हमेशा इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। प्रश्न का स्वरूप ऐसा हो सकता है कि जिसमें सीधे सूत्र नहीं लगे, आपको यहीं से चलकर फिर निकालना पड़े। बस यही मेन चीज होती है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। अगर वृत्ताकार लूप है तो फाई जो पूरा कोण होता है, यानी या तो ये कहिए कि डीएल जैसे लिखा है, टोटल लंबाई डीएल 2πr होती है, तो यही डीएल की जगह इंटीग्रेशन डीएल, एक वृत्ताकार जो लूप होता है पूरा, और 2πr परिधि होती है, तो μ0/I/2r हो जाएगा। एन फेरे हैं तो एन गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक फेरे में धारा ऐसे बह रही है, दूसरे में भी ऐसे बह रही है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की हथेली के नियम से इधर है, तो दूसरे के कारण भी इधर होगा, तीसरे के कारण भी होगा, तो एन गुणा हो जाएगा। तो एन फेरे वाली धारावाही कुंडली के केंद्र पर μ0/NI/2r हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसकी सेंटर तल पर लंब मतलब इसकी अक्ष, सेंटर से एक्स दूरी पर बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां और यहां डीएल लंबाई का छोटा सा चालक हमने लिया, यहां लिया मान लीजिए, इसके कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके ठीक लंबवत ये हो गई। इन कोण को हमने फाई मान लिया है, और ये कोण भी फाई है, क्योंकि इस पूरे कोण में ये जो बीच वाला कोण है, अगर इसमें हम ये जोड़ें तब भी 90° हो रहा है, और इसमें ये जोड़े तब भी 90° हो रहा है। तो अगर ये फाई है, ये भी फाई है, और ये भी फाई है, तो इस तरीके से पहले डीबी का मान निकालेंगे डीएल लंबाई के कारण, ये आ गया। अब टोटल निकालेंगे बी, इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई, ये कहां से आ गया। जैसे डीबी है इसका ठीक फाई वाली दिशा में डीबी कॉस फाई, ऐसे ही जैसे इधर है तो इधर भी आएगा, वो पूरा लूप है, वही धारा यहां भी बह रही है, वही धारा यहां भी बह रही है, उतनी लंबाई का इसके सामने वाला लिया, इधर के कारण ये हो गया डीबी कॉस फाई, इधर हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां लेंगे तो यहां भी लेंगे, यहां होगा यहां भी होगा, यहां होगा यहां भी होगा, यानी एक तरह से जो इस डायरेक्शन का होगा वो सभी अपोजिट लंबाई के कारण आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा डीबी साइन फाई, इधर का भी बचेगा डीबी साइन फाई, तो केवल डीबी साइन फाई रह जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे ये मान आ जाएगा डीएल साइन फाई, और हिसाब लगा लेंगे ये पूरा 2πr होता है,
कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी से फिर इसके केंद्र पर निकाला जा सकता है। एम्पियर का परिपथ यह नियम, ये आई धारा बह रही है, यहां से आर दूरी पर एक हमने वृत्ताकार ऐसे वृत्त बना दिया है, लाइन खींच दी है। अब यहां से चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा धारा के कारण। यहां से ये अंगूठा की दिशा और दाएं हाथ की उंगलियां जिधर मुड़ती जा रही, इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यहां ऐसे हो गया, यहां भी ऐसे हो, इसी का अनुदिश हो गया, अनुदिश साथ साथ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा यहां, उसका रेखीय समाकलन यानी ठीक लंबाई के साथ साथ उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली स्थायी धारा के मान का म्यू जीरो गुणा होता है। ये बंद पथ है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसके अंदर से गुजरने वाली संपूर्ण धारा का म्यू जीरो गुणा होता है। इंटीग्रेशन क्लोज्ड बी डॉट डी एल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद पथ, तो बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद पथ से गुजरने वाली संपूर्ण धारा का म्यू जीरो गुणा होता है। अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही तार के कारण अगर बी निकालना हो, क्योंकि यहां दिशा डीएल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल समान है, इसलिए थीटा का मान जीरो हो गया। बी डॉट डीएल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लंबाई की दिशा एक ही दिशा में है, जीरो हो गया एंगल बी डी एल। तो ये हो गया बी, चूंकि यहां से दूरी समान है, और दूरी समान का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान समान हो गया, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल, और डीएल मतलब अगर आर त्रिज्या है तो पूरे वृत्त की लंबाई 2 पाई आर हो जाएगी, ये बराबर म्यू जीरो इंटू आई है एम्पियर्स लॉ से। और यहां से बी का मान निकाला जा सकता है, बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। लंबी धारावाही परिनलिका है, आई धारा बह रही है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन, कुल फेरे एन हो, लंबाई एल हो तो एन बटे एल को स्मॉल एन कहते हैं। यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, बाहर अधिक दूरियों पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, वैसे भी ये निरक्षीय स्थिति हो गई, तो यहां ये अधिक दूरियों पर क्षेत्र शून्य होता है। तो यहां एक हमने ऐसे बंद लूप बनाया ए बी सी डी ई इस तरह का, यहां चुंबकीय क्षेत्र बी, यहां भी और यहां भी और यहां भी, इस बंद लूप के लिए एम्पियर का नियम लगाते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। तो देखिए जो ए टू बी है वहां ये नियम लगाएंगे, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, सब जगह लगाया। अब देखिए क्या होगा, जो बी टू सी है, बी टू सी यहां बल रेखाएं चूंकि ऐसे होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और ये लंबाई ऐसे हो गई, तो 90 डिग्री कोण हो गया और कोस 90 जीरो होता है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। और C to D बाहर अधिक दूरियों पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, यहां B का मान जीरो होता है, इसलिए ये पूरा जीरो हो गया, केवल ये बच गया B A to B वाला BDL, A to B BDL, B DL मतलब इतनी लंबाई AB की हम स्मॉल l मान लेते हैं, और ये बराबर होगा म्यू जीरो इंटू आई संपूर्ण धारा। अब यहां से यहां तक संपूर्ण धारा कितनी होगी, इसमें देखिए हिसाब लगाने की बात है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और l लंबाई में फेरों की संख्या n गुना l हो जाएगी,
एक फेरे में धारा आई बह रही है तो इतने फेरों में गुना आई हो जाएगी। तो कैलकुलेट करेंगे तो बी बराबर म्यू जीरो एन इंटू आई। एक टोरॉयड होता है, टोरॉयड में इस तरीके से जो लूप है ये इसे टोरॉयड कहते हैं। इसमें भी धारा आई बह रही है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर शून्य, अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और इसके अंदर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र म्यू जीरो एन इंटू आई होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इसलिए शून्य होता है क्योंकि यहाँ इस लूप को अगर ले लें बंद पथ को तो इसके अंदर कोई धारा नहीं गुजर रही है। अगर यहाँ लूप लेते हैं ये वाला तो इसके अंदर धारा गुजर रही है, केवल एक धारा का हिस्सा होगा। तो एन फेरे की गुणा करके टू पाई आर इसकी लंबाई होगी और एक फेरे में धारा आई है तो एन आई टू पाई आर इंटू एन, इतने फेरे टोटल हो जाएंगे, धारा ये हो जाएगी म्यू जीरो एन आई।